टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले एक पन्नी को ले लेते हैं, पैकिंग पन्नी को, उसको उल्टा करके इस बॉक्स को, जिस भी बॉक्स को पैक करना है उसको हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से पूरी पन्नी को बिछाने के बाद फिर एक साइड को हम नीचे से उठाएंगे और ऊपर की तरफ इस लाइन पे लगाएंगे। इस लाइन को क्लियर देखना है कि लाइन में सीधाई रहनी चाहिए, मतलब सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। ये अगर सीधी हो गई हमारी तो बस इसी जगह पर हम टेप लगा देंगे कॉर्नर पे, दो से तीन टेप लगा के रोक देंगे। एक सेंटर पे लगा देंगे, दो साइड से लगा देंगे और दूसरे साइड की पन्नी को उठा के हम इस तरह से लगा देते हैं। पैकिंग पन्नी को दूसरे साइड से ला के इस तरह से लगा के, ये तो पन्नी हमारी पूरी कंप्लीट पड़ गई इस बॉक्स पे। अदरवाइज़ बड़ी होती तो इसको कट भी कर सकते थे हम। इसको इस जगह से भी टेप लगा देंगे ये, और एक बीच में लगा देंगे। इस तरह से हाथ से रोक के टेप लगा देते हैं और टाइट तरीके से। उसके बाद में इस साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पर एक टेप लगाएंगे इस फोल्डिंग को रोकने के लिए कि हमको इधर देखना ना पड़े। सेकंड टाइम इस तरह भी टेप हम सेम कंडीशन से ही लगा देंगे इस तरह से। अभी ऊपर को ला के नीचे की तरफ खींचते हुए यहाँ पर एक टेप लगा देंगे और इसको भी इस साइड में लॉक कर देंगे टेप की ही मदद से। अभी एक बीच में रोक देंगे जो पूरी तरह से लॉक हो जाए। तीन लॉक ही लगाने चाहिए। अभी इसी तरह से ऊपर वाली पन्नी को भी हम इस तरह से फोल्ड करके इस जगह पर रोक देते हैं और इधर भी हम साथ में ही रोके ले रहे हैं, क्योंकि अपनी आदत है इसलिए हम कर पा रहे हैं। आपको दोनों अलग अलग टेप से रोकना होगा। इस तरह से रोक दिया और एक बीच में लगाते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि तीन साइड से ही टेप को रोकेंगे इस जगह से। रोकने के बाद ये पैकिंग हमारी बिल्कुल क्लियर और फिनिश पैकिंग में हुई है। इतनी टाइट और इतनी अच्छी पैकिंग होती है इस तरह से कि आपको कुछ भी देखना और करना नहीं पड़ेगा और इजीली आप घर पे इसको पैक कर पाएंगे। अभी एक फ्लावर लेंगे हम इसको और उस फ्लावर को यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा देंगे। फ्लावर के नीचे नेम स्लिप लगा देंगे। ये नेम स्लिप हमारी लग गई, जिसके नीचे ग्लू पहले से ही होता है और ये नेम स्लिप हम आसानी से लगा दिए। अभी एक फ्लावर को लेके आए हैं। इस तरह से हमने इसको खींचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे तो फ्लावर हमारा अच्छा से बन जाएगा, टूटेगा नहीं। और फिर इसको इस तरह से दोनों हाथों से रोक कर एक साइड में टेप लगा देंगे। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ भी पट्टी को खींचते हुए दूसरी साइड में टेप लगा देंगे। फिर एक नाइफ लेके इसको रोल कर देते हैं, एक साइड से पकड़ के हल्का सा फोल्ड करके खींच देंगे इसी तरह से इस साइड भी। और ये हमारा कंप्लीट पैकिंग हो गया। बाहर 30 से 50 रुपए की पैकिंग हो जाती है और यही अगर हम खुद से करते हैं तो 10 से 12 रुपए में कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत ही ईजी तरीका है और अच्छी पैकिंग करने का। सो अगर ये वीडियो हमारी पसंद आ रही हो सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।